हेलो क्लास 12th स्टूडेंट बेटा, आज हम आप लोगों की एक्सरसाइज 1.4 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स। 1.4 में जो बाइनरी ऑपरेशन के हमने कुछ टॉपिक करे थे उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स बहुत डिटेल में करना हमने, और बहुत ही क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए। ये बच्चों को काफ़ी टफ टॉपिक लगता है, तो मैं इसको बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले बेटा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो पहले आइडेंटिटी और इनवर्स निकालने से पहले एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन छोटे छोटे से बच गए हैं, 3 और 4, पहले हम वो कर लेते हैं, फिर हम आइडेंटिटी और इनवर्स को बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह से करेंगे आराम आराम से। तो आपने क्या करनी है, पूरी वीडियो देखनी है, पहले दो क्वेश्चन देखने हैं, उसके बाद आपने आइडेंटिटी और इनवर्स देखने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए भी, ठीक है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन एंड, ये बाइनरी ऑपरेशन कुछ साइन होते हैं, एस्ट्रिक साइन मैंने आपको बताया था जो स्टार की तरह होता है, इस साइन को हम बोलते हैं एस्ट्रिक साइन। या बाइनरी ऑपरेशन एंड से होता है या और से होता है या नेगेशन से होता है, कोई भी एक सिंबल बना देते हैं। तो वो कह रहा है एंड साइन पे हमने बाइनरी ऑपरेशन देखना है, ये टेबल बनानी है 1 2 3 4 5, डिफाइन ए एंड बी इज मिनिमम ऑफ ए बी। क्या बोल रहा है कि मैंने यहां पर एक एंड साइन बनाया बाइनरी ऑपरेशन का, इसके बाद जितने नंबर दे रखे हैं सेट में वो लिख लो आप। तो मेरे को नंबर दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 1, एक दे रखा है मेरे को 2, एक दे रखा है मेरे को 3, एक दे रखा है 4 एंड एक दे रखा है 5। ये सेट की टेबल दे रखे हमारे पास। ऐसे इधर भी आप वही नंबर लिख दो जो दे रखे हैं, एक 1, एक 2, एक दे रखी बेटा 3, देन 4 एंड देन 5। अब मैंने बाइनरी ऑपरेशन टेबल बहुत सिंपल सी होती है, अगर आगे तो बल्ले बल्ले हैं तुम्हारी बेटा। क्या होता है ए एंड बी का मतलब मिनिमम ऑफ ए बी, मिनिमम ऑफ ए एंड बी। तो जैसे 1 एंड 1, ये एंड सिंबल है ना, सिंबल एंड बोल दे, बाइनरी ऑपरेशन है ना। तो 1 एंड 1 में मिनिमम ऑफ ए बी, दोनों का मिनिमम छोटा, तो 1 और 1 में छोटा क्या है, 1 ही तो है, कोई से भी 1 ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला, तो 1 आ गया। 1 एंड 2 में छोटा क्या है, मिनिमम मतलब छोटी वैल्यू, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में 1, 1 एंड 3 में छोटा 1, 1 एंड 4 में मिनिमम 1, 1 और 5 में मिनिमम 1। ऐसे 2 एंड 1 में 1 हो गया, मिनिमम छोटा लेना है, 2 ये रहा 1 ये रहा, 2 एंड 1 1 मिनिमम, 2 एंड 2 में 2, 2 एंड 3 में 2 मिनिमम, 2 एंड 4 में 2, 2 एंड 5 में 2 मिनिमम, छोटा वाला लेना दोनों में से। अब 3 एंड 1 में मिनिमम कौन सा होगा, 1, 3 एंड 2 में छोटा कौन सा होगा, 2, 3 एंड 3 में मिनिमम 3, 3 एंड 4 में मिनिमम 3, 3 एंड 5 में मिनिमम 3, 4 एंड 1 में आया 1, 4 एंड 2 में मिनिमम 2, 4 एंड 3 में 3, 4 एंड 4 में 4, 4 5 में 4। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में कंसेप्ट, तो आप बता दो जरा। 5 एंड 1 में 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4 एंड 5 5 में मिनिमम 5। सो दिस इज योर बाइनरी ऑपरेशन टेबल फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। उसके बाद हम फिर वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बाइनरी ऑपरेशन टेबल हमारे पास ये दे रखी एस्ट्रिक साइन से या स्टार से, और ये हमें निकालने हैं। तो हम इसका जो पहला पार्ट देखें, पहले पार्ट में वो बोल रहा है कंप्यूट, हमें कंप्यूट करना है, निकालना है 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4, पहले तो ये निकालना ये वाला, फिर एंड ये भी करेंगे। तो 2 एस्ट्रिक 3 मतलब 2 और 3, 2 ये रहा और 3 ये रहा। अब 2 और 3 कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं 2 एंड 3, तो 2 और 3 का एस्ट्रिक आ गया 1, आ गया इनका बाइनरी ऑपरेशन 1 आया। अब एस्ट्रिक 4, अब 1 एंड 4, पहले ब्रैकेट सॉल्व करी, 2 और 3 का 1 आ गया, फिर 4 के साथ, अब 1 का 4 के साथ, 1 ये रहा और 4 ये रहा, तो 1 का 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ गया, तो ये 1 आ गया, पार्ट ये आ गया समझ में। इसका दूसरा पार्ट भी है 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4, ये हमारे पास 2 मैंने सेम रखा एस्ट्रिक, 3 एस्ट्रिक 4, 3 हमारे पास ये रहा और स्टार 4 ये रहा, तो 3 और 4 का हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला 3 ये रहा और 4 ये रहा, तो आया 1, तो ये आया 1। अब 2 और 1, 2 ये रहा और 1 ये रहा, तो 2 और 1 का हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया, देखो 2 और 1 यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये आया हमारे पास 1। सिंपल मेरे ख्याल से मजाक था छोटा सा। दूसरा पार्ट कह रहा है इज एस्ट्रिक कॉमिटेटिव, क्या ये कॉमिटेटिव है कि नहीं है। अब मेरे को कॉमिटेटिव की प्रॉपर्टी पता है कि ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए होना चाहिए, लास्ट वीडियो में कराए थे मैंने कॉमिटेटिव, तो क्या ऐसा है पॉसिबल, तो कहीं से भी करके देख लो। 3 और 4 का कर लेते हैं, 3
थ्री एस्ट्रिक फोर इक्वल टू आना चाहिए फोर एस्ट्रिक थ्री। तो देखें जरा, थ्री और फोर का आ रहा है वन, तो ये हुआ वन। फोर और थ्री का फोर ए रहा और थ्री ए रहा, तो फोर और थ्री का भी क्या आ रहा है वन आ रहा है। यानी हर जगह ऐसे आ रहा होगा, जैसे टू और थ्री का वन आ रहा है और थ्री और टू का भी वन आ रहा है, फाइव और टू का टू आ रहा है और टू और फाइव का भी टू, और देखो फाइव और टू का वन आ रहा है और टू और फाइव का भी वन आ रहा है। तो हर जगह इक्वल आ रहा, तो हम लिखेंगे यस इट इज कॉम्यूटेटिव, इट इज कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव है। ये आ गया हमारे पास सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट यहीं पे कर देते हैं, बहुत छोटा सा है, बिल्कुल मजाक वाला क्वेश्चन है। टू एस्ट्रिक थ्री, टू और थ्री का टू ए रहा और थ्री ए रहा, टू यहां से लाया थ्री यहां से लाया, तो ये आ गया वन, आ गया वन एस्ट्रिक। फिर आया फोर और फाइव का, फोर ए रहा और फाइव ए रहा, तो फोर का फाइव के साथ कितना आ रहा है वन आ रहा है, इट इज ऑल्सो वन। एंड वन एंड वन का एस्ट्रिक, इट इज ऑल्सो वन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव की जो टेबल बनेगी एससीएफ वाली टेबल है, तो सेम आएगी एससीएफ वाली टेबल, क्योंकि ऐसे पे आएगा टू और वन का एससीएफ वन, टू और टू का टू, तो ये वाली टेबल बनेगी और क्वेश्चन फाइव आप कर सकते हो। अब हम मेन कंसेप्ट समझने जा रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स। उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं हम। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने दो बड़े ध्यान से समझने हैं, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स। अगर आपने आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स समझ लिया है तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो गया, ठीक है। यही बच्चों को दिक्कत आती है, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट ढूंढने में दिक्कत आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोल चुका हूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं पहले आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं आराम से, थोड़ा आइडेंटिटी एलिमेंट हम बेटा इसके ना डेफिनेशन पे बात पे जाते हैं। फिलहाल एक लाइन याद रखते हैं कि ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ए और ई एस्ट्रिक ए। अब ये क्या बवाल आ गया सर, हैं ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी पहले हम सिंपल से उसे सीखते हैं, क्या कुछ एग्जांपलों से सीखते हैं, क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेशन पे चलते हैं। मैं बोलता हूं कि ऑन एडिशन की बात करते हैं, फिलहाल हम एडिशन ऑन आर, मैं एडिशन को चेक कर रहा हूं, प्लस को चेक कर रहा हूं। एक जैसे एस्ट्रिक साइन होता है बाइनरी ऑपरेशन, ऐसे मैं प्लस पे चेक कर रहा हूं और मैं ले रहा हूं रियल नंबर पे, क्या ले रहा हूं रियल नंबर पे। रियल नंबर पे अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा यहां पर एक नंबर फाइव है, रियल नंबर है फाइव, मैं बोलूं कि फाइव में मैं क्या ऐड करूं, फाइव में मैं यहां पर क्या ऐड करूं कि इक्वल टू फाइव ही हो जाए, फाइव में मैं ऐसा कौन सा नंबर, रियल नंबर होना रियल में से चाहिए, इसी सेट पे चेक करेंगे हम, बस इधर उधर नहीं भटकेंगे। तो मैं बोलूंगा रियल नंबर में ऐसा कौन सा रियल नंबर मैं ऐड करूं कि फाइव ही आ जाए, कोई फर्क ना पड़े। या मैं बोल हाँ चलो पहले यही बताओ मेरे को, फाइव में मैं कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूं कि फाइव ही आ जाए, कोई फर्क ना पड़े, फटाफट साथ साथ जवाब कर दो। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर पता है मेरे को तो ये आंसर जीरो, फाइव में जीरो ऐड करूंगा तो फाइव ही आ जाएगा, कोई फर्क ना पड़े। या मैं बोल रहा हूं जीरो में मैं क्या ऐड करूं क्वेश्चन मार्क कि फाइव ही आ जाए, कोई फर्क ना पड़े। तो आप बोलोगे कि सर जीरो में भी मैं क्या ऐड करूं, फाइव, फाइव में क्या ऐड करूं, इधर से ले लो या इधर से ले लो, ठीक है। तो आप बोलोगे जीरो में फाइव, यानी फाइव में जीरो ऐड कर दें तो भी फाइव आया, जीरो में फाइव ऐड कर दें तो भी क्या आया, फाइव। तो आइडेंटिटी वही है, इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां पर जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन आर, एडिशन के लिए, एडिशन अगर ऑपरेशन है तो जीरो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, जीरो क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहां पर चलते हैं हम ए, ई होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, और ए ए कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है। अब जैसे मैंने यहां पर लिया था फाइव और यह एस्ट्रिक साइन मैंने ऑपरेशन दे दिया जीरो से, एडिशन की बात कर रहे हैं हम, इक्वल टू आएगा फाइव आएगा, या यहां ई आइडेंटिटी हमने किसको माना जीरो को, तो जीरो प्लस फाइव तो भी क्या आएगा फाइव, यानी दोनों केस से वही आना चाहिए, ठीक है। मैंने आइडेंटिटी जो याद रख रखा है कि एक ऐसा एलिमेंट, अपने माइंड में जो कंसेप्ट बना रखा आप भी याद रख सकते हो, एक ऐसा एलिमेंट कि जिसको मैं ऑपरेट करूं किसी भी एलिमेंट के साथ तो वही एलिमेंट बन जाए, वो अपनी आइडेंटिटी खो दे। जैसे मैंने इसमें जीरो ऐड करा तो जब जीरो सिक्स के साथ ऐड हुआ तो सिक्स ही आया, जीरो ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, खो दी, जीरो गया काम से। तो ऐसा एलिमेंट जो किसी के साथ ऑपरेशन में आए और अपनी आइडेंटिटी वो वेनिस्ट कर दे, खो दे अपनी आइडेंटिटी, तो उसको ही हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। याद रखने के लिए कंसेप्ट बनाया, ये डेफिनेशन नहीं, ठीक है बेटा। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। अगर मैं आपको बोलूं
ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, चलो मैं लेता हूं ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, अभी क्लियर हो जाएगा आइडेंटिटी। ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर में क्या आएगा 1, 2, 3, 4, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 और 0। मैं बोलता हूं यहां पर एडिशन के लिए बात कर रहा हूं मैं, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर एक आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढो। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब जिसको मैं किसी के साथ भी ऐड करूं, सपोज दैट मैंने 10 के साथ उसको ऐड करा और 10 ही हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा कि जो ऐसा होगा, तो आप बोलोगे सर जीरो, क्योंकि जीरो इंटीजर में आ रहा है ना, तो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के लिए इंटीजर के लिए, है ना, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर के सेट में एडिशन के लिए जीरो क्या बन गया, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये हमारे पास क्या होता है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये क्या होता है हमारे पास ए, यानी ए प्लस ई इक्वल टू ए ही आया। अब इसका रिवर्स भी होना चाहिए, देखो ए प्लस ई इक्वल टू ए आया और ई प्लस ए भी ए आना चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर आप ले लो 10 प्लस 0 10 आया, या यहां पर आप ले लो 0 प्लस 10 तो भी क्या है हमारे पास 10 ही आया, दोनों तरफ से, इधर से भी ये होना चाहिए इधर से भी यही होना चाहिए, है ना। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब मेरे को आप एक चीज का जवाब दो बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट में, कि अगर मैं बोलता हूं कि एडिशन के लिए ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर में कोई भी, यहां पर एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैं बोलता हूं एक, चलो 20 एक नेचुरल नंबर है, इसमें मैं क्या ऐड करूं, मैं सिर्फ एडिशन पे चेक कर रहा हूं, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि यही आ जाए 20 आ जाए, तो ऐसा कोई एलिमेंट बताओ कि जो यहां पर ऐड करे वही हो जाए, कोई फर्क ना पड़े। तो आप बोलोगे सर जीरो ऐड कर दो, बोलोगे, लेकिन ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसी सेट के अंदर आना चाहिए। तो यहां पर जीरो इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन नेचुरल नंबर फॉर एडिशन, एडिशन के लिए नेचुरल नंबर में जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आया कुछ कंसेप्ट समझ में आइडेंटिटी एलिमेंट। चलो और हम क्वेश्चन करते हैं, ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ए ई हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ए कोई एलिमेंट हो गया, ए ही आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर बता देता हूं, जैसे हमने लिया 30 प्लस 0, मैं रियल नंबर के सेट पे बात कर रहा हूं एडिशन के लिए, 30 प्लस 0 इक्वल टू 30 आएगा, या आप 0 प्लस 30 करो तो भी क्या आएगा 30 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। और हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोलता हूं 4 मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं ऑन रियल नंबर। अब हम मल्टीप्लीकेशन में चेक कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन हमने एक क्या ले लिया, बाइनरी ऑपरेशन, यानी स्ट्रेक की जगह जो एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक साइन की जगह हमने क्या ले लिया, मल्टीप्लाई, एस्ट्रिकम मतलब ए एस्ट्रिक बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई ई, या ई मल्टीप्लाई ए, एस्ट्रिक की जगह हमने मल्टीप्लाई लिया। अब मैं बोलता हूं यहां पर कोई एक आपने ऐसा एलिमेंट ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करके 5 ही आ जाए, कोई फर्क ना पड़े, तो आप बता सकते हो रियल नंबर में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो, रियल नंबर में आप बोलोगे सर 1, क्योंकि 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 ही आएगा, या मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही आएगा। तो देखो अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो ए कोई भी एक एलिमेंट हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ए ही रहेगा, ये यहां पर आप मान लो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ए ही रहेगा। तो ये जो 1 होता है, 1 इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ठीक है, 4 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी होगा ऑन रियल नंबर, रियल नंबर में, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं नेचुरल नंबर ले लूं, नेचुरल तो भी 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 तो आता ही है ना, तो 1 होगा। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। क्या 1 के सिवा कोई एक ऐसा नंबर होगा जो आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी मतलब अगर मैं बोलता हूं 6 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इक्वल टू 6, तो क्या 1 के सिवा यहां पर कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये आइडेंटिटी है, ठीक है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर मैं डेफिनेशन से पूछूं कि डेफिनेशन से क्या दे रखा है, गिवन ए, ए एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन, ये मैं समझा चुका हूं आपको, ए क्रॉस ए पहले सेट में, दूसरे इसमें सेट में ए, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए के अंदर कोई एक एलिमेंट है, ये हमने एलिमेंट मान लिया, सेट ए है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ए है, ए बिलोंग्स टू ए, इफ एग्जिस्ट कॉल आइडेंटिटी ऑपरेशन, इफ ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल टू ए होना चाहिए, इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए ही होना चाहिए, ठीक है। अब कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, जैसे मैंने अभी बताया ऑन द, अगर मैं प्लस की बात कर रहा हूं तो प्लस में कुछ भी एक नंबर ले लिया 3, अब इसकी जगह स्ट्रैक क्या चेंज करा किसके लिए दे रहे हैं, प्लस के लिए, तो प्लस,
और 0 इक्वल टू 3 आ गया, इक्वल टू 0 e क्या हमारे पास 0 हमने सपोज करा, प्लस 3 3 आ गया, यानी ये भी यही आ जाए ये भी यही आ जाए कोई फर्क ना पड़े, ये बात आगे समझ में। तो 0 इज आइडेंटिटी ऑन प्लस और ऑन कोई एक सेट मैंने मान लिया रियल नंबर के केस में। अब आपने मेरे को एक चीज बताना है कि ऑन रियल नंबर, अगर मैं रियल नंबर के केस में देखूं तो क्या सब्ट्रैक्शन माइनस जो होता है वो उसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है? तो जरा चेक करते हैं, एक ए कोई एक नंबर ले लेते हैं हम 3 माइनस, अब यहां का कोई नंबर हम माइनस करें और 3 ही आ जाए, हो सकता है क्या? कोई एक रियल नंबर 0, 0 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अब इसे उल्टे से देखूं कि 0 माइनस 3 ये भी तो होना चाहिए a माइनस a, तो ये तो माइनस 3 आ रहा है तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो 0 इज नॉट आइडेंटिटी ऑन रियल नंबर फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी नहीं होगा। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं आप आइडेंटिटी वाले के, तो ये दो एग्जाम्पल लेते हैं, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं एग्जाम्पल लेकिन एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेते हैं, आते हैं कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो ये थोड़ा सा दो एग्जाम्पल लेते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा। इफ एस्ट्रिक इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ आर नोट, आर नोट दे रखा है और नॉन जीरो रियल नंबर, सारे नॉन जीरो रियल नंबर ले रखे हैं इसमें, है ना, और हमारे पास पहले क्वेश्चन में है ये जो एस्ट्रिक का रिलेशन वो दे रखा है ए एस्ट्रिक बी इक्वल्स टू 3ab/7, यानी यहाँ एस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, एस्ट्रिक का मतलब हुआ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा देखो ab उसको 3/7 से मल्टीप्लाई कर दो। एस्ट्रिक साइन का मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है ना, और बाइनरी ऑपरेशन है। तो एस्ट्रिक का यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा प्रोडक्ट और जो इनका प्रोडक्ट आया ab उसको 3/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ऐसे ही चलेगा, मानो मैं बोलता हूं एम एस्ट्रिक एन, तो मैं बोलूंगा एम एन को मल्टीप्लाई करा और इन दोनों के प्रोडक्ट को 3/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही लगेगा कहीं पे भी, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि फाइंड आइडेंटिटी ऑन आर, आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना हमने किस पे, आर पे। तो मैंने मान लिया लेट, वही आइडेंटिटी कौन सा होता है, ई होता है, लेट ई बी एन आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर, रियल नंबर में बोल रहा तो मैं रियल में ढूंढ रहा हूं, है ना। मैंने मान लिया कि कोई ई एक नंबर है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है रियल नंबर में फोर, कौन से ऑपरेशन के लिए, एस्ट्रिक के लिए, क्योंकि एस्ट्रिक साइन उसने दे रखा है। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए, यही होना चाहिए हमारे पास। देखो भाई ई तो हमारे पास ई रहेगा, अब ये दोनों हमारे पास ई हमने ढूंढना है, क्या ढूंढना है ई, लेकिन ए और ई का मैं एस्ट्रिक का रिलेशन कैसे लूँ, रिलेशन उसने दे रखा है ये एग्जांपल की ऐसे लेना है, ए एस्ट्रिक बी दोनों का प्रोडक्ट और 3/7 से मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या करा इन दोनों को प्रोडक्ट करा ए ई कर दिया, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा दे रखा है, और इसको मैंने 3/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू रख दिया है ए, फिर वही इन दोनों के बीच में एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ए ई और इसके प्रोडक्ट को मैंने 3/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तक क्लियर। अब मैंने ये तीनों इक्वल हैं आपस में, तो मैं इन दोनों को इक्वल और इन दोनों को इक्वल रख सकता हूं, तो मैंने क्या करा 3/7 इक्वल टू ए रख दिया, 3/7 ए ई इक्वल टू ए रख दिया, 3/7 ए ई इक्वल टू ए रख दिया। एक बार मैं यहां से ले लेता हूं, एक बार इन दोनों से ले लेता हूं, ए इक्वल टू 3ea/7। अब मैंने यहां से आइडेंटिटी निकालना, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, ई, ई निकालना है, तो अगर मैं ई निकालूंगा तो ए से ए कैंसिल हुआ, e की वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगा 7/3, यहाँ पे अगर चेक करूँ तो a से a कैंसिल हुआ, e निकालना तो e की वैल्यू क्या हो गई 7 यहाँ आ जाएगा 7/3 क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या है हमारे पास 7/3 है। आगे बात समझे कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ऑपरेशन दे रखा है तो रियल नंबर में से कौन सा ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कि जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देगा, वो है 7/3, ठीक है जी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्वेश्चन सेकंड में बोल रहा है फाइंड द आइडेंटिटी ऑन क्यू, क्यू मतलब होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में 1/2 2/3 5/7, उनमें सिर्फ पॉजिटिव रेशनल नंबर पे देना है हमने, ठीक है। इसमें भी हमें आइडेंटिटी फाइंड करनी है और ये दे रखा हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में कि ए एस्ट्रिक बी का जो रिलेशन है मतलब है वो है ए बी बाई टू, यानी क्या दे रखा है इन दोनों का प्रोडक्ट करो और दो से डिवाइड कर दो, यही मतलब बन रहा है। अब देखो आइडेंटिटी पहले मैं लिखूंगा वो है लेट ई बी आइडेंटिटी आइडेंटिटी
एलिमेंट ऑन कहाँ पे ले रहे हैं हम, क्यू प्लस पे, फोर किसके लिए ले रहे हैं हम, एस्ट्रिक साइन के लिए, एस्ट्रिक की जगह कुछ और आएगा वो सिंबल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होना है, क्या होता है आइडेंटिटी बताओ, क्या रिलेशन बनता है, ए ई इक्वल टू ई ए, यही होता है। तो इन दोनों का मतलब ई आइडेंटिटी है ना, ये आपने याद रखना भाई हर जगह, ठीक है, मेन डेफिनेशन में यही है। तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ, देखो इस एस्ट्रिक साइन का मतलब दोनों का प्रोडक्ट करो दो से डिवाइड, तो मैंने दोनों का प्रोडक्ट करा दो से डिवाइड ए आया, यहां पर भी दोनों का प्रोडक्ट करा और दो से डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चे। अब बेटा इन दोनों को इक्वल लेंगे और इन दोनों को इक्वल लेंगे, तो मैं क्या ले रहा हूं, ए ई अपॉन टू इक्वल टू ए, एक बार ये ले रहा हूं, एक बार ए इक्वल टू ई ए अपॉन टू, तो यहां से ये कटा तो ई की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके टू, ए से ए कटा ई की वैल्यू आ गई टू, यानी टू जो है वो आइडेंटिटी है, यहां तक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी का कंसेप्ट थोड़ा टफ है लेकिन थोड़ा क्लियर करो, एक एक पॉइंट ध्यान से देखो तो हो जाएगा। अब करते हैं हम इनवर्स, केवल इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स एलिमेंट के लिए पहले आइडेंटिटी निकलना जरूरी है। अगर सॉरी अगर किसी का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं निकल पाएगा तो उसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं होगा, पहली चीज क्लियर हो गई। अब इनवर्स क्या होता है, इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक दो एग्जांपल से तो क्लियर हो जाएगा आपका। सपोज दैट कि अभी हम चेक कर रहे थे ऑन रियल नंबर, है ना, रियल नंबर में 4 प्लस एडिशन के लिए, रियल नंबर में एडिशन के लिए 0 जो था, 0 इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, थोड़ा टिपिकल ये समझना लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप बिल्कुल गौर से समझोगे, एक एक पॉइंट माइंड में लेते हुए चलोगे कि क्या है, क्लियर हो जाएगा। ऊपर ऊपर से समझोगे तो ऊपर ऊपर से जाएगा, है ना, कोशिश करना बेटा समझने की। ऑन आर रियल नंबर के सेट में 4 एडिशन, एडिशन के लिए भी हमने देखा था 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, अपने माइंड में ही बना लो, आइडेंटिटी एलिमेंट वो, अगर एडिशन के देख रहा हूँ, एडिशन के लिए देख रहा हूँ तो आइडेंटिटी वो कि जिसको किसी में भी ऐड कर दे वो अपनी आइडेंटिटी खो दे, वो एलिमेंट वहाँ से गायब हो जाए। जैसे मैंने बोला कि 30 में मैं क्या ऐड करूँ कि 30 ही रह जाए, तो 0 ऐड कर दिया, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी वो खो गया। तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट निकल जाएगा तो वो कह रहा है कि इनवर्स के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए या बी एस्ट्रिक ए इक्वल टू बी आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो मैं लिखूंगा बी इज इनवर्स ऑफ ए। अब कैसे सर, वो कह रहा कि अगर जैसे मैं बोलता हूं, इसी के लिए चेक करता हूं मैं यहां पर कि रियल नंबर के लिए, एडिशन के लिए, एडिशन के लिए रियल नंबर में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, है ना, जब 0 आ गया तो वो कह रहा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ए प्लस, अभी एडिशन के लिए किसके लिए ले रखा मैंने, प्लस एस्ट्रिक साइन प्लस के लिए, कि ए प्लस बी करूं और 0 आ जाए, तो क्या कुछ ऐसा नंबर है कि जो ए में मैं वो बी कोई एक नंबर ऐड करूं और 0 आ जाए। जैसे हम रियल नंबर के केस में देख रहे हैं, अगर तो मैं रियल नंबर के केस में तो मैं बोलूंगा 5 में क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो 0 आ जाए, तो आप बोलोगे यस सर, क्या है, 5 में मैं क्या प्लस करूं कि 0 आ जाए, -5 करूं सर, 5 में -5 करूंगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि -5 भी तो रियल नंबर है। तो यहां पर ये हमारे पास बी जो होगा और ये हमारे पास क्या होगा ए, और ये क्या हुआ बी, तो मैं लिखूंगा -5 इज इनवर्स ऑफ 5 का इनवर्स क्या हो गया -5 हो गया। ये बात आ गई समझ में। और देखते हैं, मैंने आपको बोला कि क्या ए में कोई एक बी ऐसा एलिमेंट है एडिशन में कि उसको ऐड करके 0 आ जाए, तो आप बोलोगे यस सर है, क्या है ए सर, आप कहोगे -a ऐड कर दो, ये बी वाला एलिमेंट हमने -a मान लिया, तो ये क्या हो गया 0। तो ये जो एलिमेंट है -a इज इनवर्स, किसका इनवर्स हो गया, ये इनवर्स ऑफ ए, ए का इनवर्स हो गया। इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, ए का जो इनवर्स है वो -a है। ये बात क्लियर हो गई, आप इधर से भी करोगे -5 + 5 तो भी 0 आएगा, दोनों तरफ से आना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर मैं मान लेता हूं कि मैं फॉर द सेट ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के लिए करते हैं हम, अब मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी, रियल नंबर में मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा था, 1 था, पहले आइडेंटिटी निकलना जरूरी भाई, उसके बिना इनवर्स नहीं निकलेगा, आइडेंटिटी नहीं आया तो इनवर्स भी नहीं आएगा, है ना, निकलेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो इनटू के सेट में 1 था, यानी
अगर आइडेंटिटी लेते थे तो ऐसे लेते थे ना बेटा, ए इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए, यानी कोई से भी मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, वन के साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो वही नंबर आएगा। तो वन हमारे पास था, जैसे 5 इंटू 1 कर दें तो 5 आया, ये 1 इंटू 5 कर दें तो भी क्या आया हमारे पास, 5 आया। तो 1 यहाँ पर आइडेंटिटी हो गया प्रोडक्ट के लिए, 1 गायब हो गया ना, अपनी आइडेंटिटी खो दी। तो अब मैं आपको बोलता हूँ कि इनवर्स निकालना है कि क्या ये होना चाहिए ना a इंटू एस्ट्रिक की जगह हमने क्या ले लिया इंटू a एस्ट्रिक, कोई भी एक ऑपरेशन हो सकता है, a इंटू b इक्वल टू a ही आ जाए, e आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, या b इंटू a जो है हमारे पास वो भी ई आ जाए। अब ई क्या था हमारे पास, ए इंटू बी वन था, आइडेंटिटी वन था, या बी इंटू ए भी हमारे पास वन। तो मैं बोलूंगा कि क्या मैं, चलो मैं बोलता हूं, क्या मैं कोई एक ऐसा बी नंबर ढूंढ सकता हूं कि जिसे मल्टीप्लाई कर दें और वन आ जाए? तो आप बोलोगे यस सर, क्या वन अपॉन ए, क्योंकि इससे ए कट जाएगा और ए क्या आ जाएगा वन। तो ए का जो इनवर्स आया, वन बाई ए इज इनवर्स, किसका इनवर्स आ गया ये ऑफ ए। तो इनवर्स का मीनिंग ये बनता है, इनवर्स का मतलब अगर किसी ऑपरेशन का किसी सेट पे अगर आइडेंटिटी आ गया तो ए एक बी एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि जब मैं उससे मल्टीप्लाई करूं ए को तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। समझ में आ रहे हो, बी कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना उसी सेट के अंदर, रियल की बात करी तो रियल में बी एक ऐसा नंबर हमने ढूंढना है कि जब मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूं, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। इसके क्वेश्चन करते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं हम, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं लेकिन आरडी शर्मा वगैरह से ले रहा है, एक एग्जांपल कर लेते हैं ऑन क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब सेट ऑफ द नॉन जीरो रेशनल नंबर, बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक दे रखा हमारे पास स्टार, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन फाइव, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी के लिए पहले मेरे को क्या ढूंढ, सॉरी फाइंड इनवर्स, हम क्वेश्चन ले लेते हैं इनवर्स का, पहले किसका ले लेते हैं इनवर्स, इनवर्स का ले लेते हैं, है ना। तो इनवर्स के लिए पहले मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना ही पड़ेगा, उसके बिना इनवर्स नहीं निकलेगा। तो आइडेंटिटी कैसे ढूंढते थे, ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए इक्वल टू ए, ए इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए, आप आगे पीछे लिख सकते हो, इनको तीनों इक्वल हैं, वो सीक्वेंस मेरे को थोड़ा ठीक लगता है इसलिए मैंने सीक्वेंस में तमीज के साथ लिख दिया, है ना। तो अगर मैं बात करता हूं ए ए ई, तो रिलेशन कैसा दे रखा है, ये दे रखा है, देखो जरा ये एस्ट्रिक का मतलब है कि दोनों को मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 5 से डिवाइड करा, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा और 5 से डिवाइड। अब यहां से आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं हम, ए ई अपॉन 5 इक्वल टू ए, ये लिया, ए इक्वल टू ई ए अपॉन 5, ये तो आपको आगे होगा निकालना मेरे ख्याल से, ये कैंसिल हुआ ई आया 5, ये कैंसिल हुआ ई आया 5, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है आइडेंटिटी एलिमेंट वो आ गया मेरे पास 5। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत तुम्हें सिंपल बना के समझाऊं, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स के लिए क्या बोला मैंने कि ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, या बी एस्ट्रिक ए इक्वल टू भी आइडेंटिटी होना चाहिए। तो ए बी इक्वल टू, देखो ए एस्ट्रिक बी का मतलब ए बी अपॉन 5, तो मैंने ए बी अपॉन 5 लिखा, लिख दिया, इक्वल टू ई, ई क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, कितना है 5, तो यहां वैल्यू रख दी 5। यहां पर भी मैंने क्या करा, यहां पर भी क्या करेंगे हम, बी ए अपॉन में 5, ये तो आएगा एस्ट्रिक साइन का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अब मेरे को निकालना है आइडेंटिटी ए का, ए का निकालना होता ना कि ए का इनवर्स कौन सा है, सॉरी इनवर्स निकालना है ए का, तो मैं यहां पर लूंगा ए बी, ये है हमारे पास अपॉन 5 इक्वल टू 5, है ना, ए की वैल्यू निकालूंगा 5 जो 25 अपॉन बी, और यहां से भी अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 25 अपॉन बी। तो ए का जो इनवर्स आ गया दैट इज 25 अपॉन में बी, सो दिस इज इनवर्स ऑफ ए, ए का इनवर्स 25 अपॉन बी आ गया। तो ये कंसेप्ट अपने बड़े ध्यान से करने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद हम करेंगे सेकेंड चैप्टर, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो देखते रहे मेरे चैनल को और इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करें, ठीक है बेटा, बाय बाय।